माइक की जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये अच्छी है, और माइक में पहले का फोम लगा हुआ आया है विच वुड हेल्प इन डिफ्लेक्टिंग विंड। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सोहेल फ्रॉम आउल स्टूडियो। कैसे हो आप सब? लाइक ऑलवेज आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एक और पैकेट आया है अमेजोन से, एंड जब भी कोई पैकेट मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ तो मेरे को काफ़ी खुशी होती है, एंड आई वुड लाइक टू स्प्रेड द हैप्पीनेस विद यू पीपल। चलो विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो ये जो हमने पैकेज मंगवाया है ये हमने अमेजोन से मंगवाया और मेरे पास आज ही आया है। चलो इसको पहले हम ओपन करते हैं, फिर इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा साथ साथ एग्जैक्टली क्या है ये। काफ़ी ही ईजिली ये ओपन हो गया। सो पैकिंग हम साइड रखते हैं। ये माउनो का माइक है, माउनो का लेवलियर माइक्रोफोन है। ये प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ये माइक है। ये पर्टिकुलर जो माइक्रोफोन मैंने मंगवाया है ये अमेजोन से मंगवाया है। साइड में अगर हम देखते हैं, साइड में ये फीचर्स भी लिखे हैं। इट इज़ अ ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन। फ्रीक्वेंसीज जो है इसकी जो कैप्चर करता है 50 हर्ट्ज़ से 18,000 हर्ट्ज़ तक कैप्चर करता है। सेंसिटिविटी जो है इसकी -30 डेसिबल। इसका जो आउटपुट कनेक्टर है दैट इज 3.5 mm जैक विच कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इट इज़ अ क्लिप ऑन माइक्रोफोन फॉर स्मार्टफोन एंड PC। ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर पोल पैटर्न, लो हैंडलिंग नॉइस एंड लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट। इसके अगर हम पीछे देखते हैं तो पीछे इसका प्राइस लिखा हुआ है, मॉडल लिखा है। प्राइस अभी भी इसका 700 लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। डिस्क्रिप्शन में इसका मॉडल लिखा हुआ है दैट इज़ AU400। ये सितंबर 2020 का मैन्युफैक्चर्ड है एंड कुछ बार कोड्स है। साइड में अगर हम देखते हैं ये स्मार्टफोन कंपैटिबल है, कैमरा कंपैटिबल है। प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं माइक पे लगा के, इंटरव्यू दे सकते हैं, एंड ये कंप्यूटर या PC में लगा सकते हैं। सो अगर आप पैकेजिंग देखते हैं, पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम है, सॉफ्ट टच पेपर मटेरियल से बनी है, काफ़ी प्रीमियम है। चलिए इसके अंदर पैकिंग के अंदर देखते हैं अंदर क्या है। सो जब हम इसको ओपन कर रहे हैं सो मेरे सामने सीधा एक ये केस आता है। ये केस मैं एक मिनट इधर रखता हूँ एंड इसके अंदर और क्या क्या आता है पहले वो देखते हैं। सो स्पेसिफिकेशंस में एग्जैक्टली वो हर्ट्ज के बारे में लिखा हुआ है एज अ यूजर गाइड। इसके पीछे जो हमने देखा है इट इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स। एक चीज़ जो हमें बॉक्स में नहीं लिखी थी वो लिखी थी 2 मीटर केबल इसके साथ हमें मिलती है। 2 मीटर केबल इज़ अ वेरी गुड केबल लेंथ वाइज, बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा दूरी से अगर आपको वीडियो कैप्चर करना है तो दिस वुड गिव यू एम्पल लॉट ऑफ प्लेस टू मूव अराउंड। लेट अस ओपन दिस पर्टिकुलर पाउच। पाउच को ओपन करने से पहले ये मैं बताना चाहूँगा, ये पाउच कपड़े का है एंड काफ़ी अच्छा प्रीमियम लग रहा है, जैसे एक प्रीमियम माइक्रोफोन का आता है, जैसे आजकल एक प्रीमियम हेडफोन के पैकेजिंग आती है वैसे ही है। फ्रंट में अगर आप देख पा रहे हैं तो माउनो का ब्रांडिंग है। लेट अस सी व्हाट इज देयर इनसाइड। ये सब चीज़ें निकलती, दिस इज़ अ सिलिकॉन ताकि फंगस या प्रॉब्लम ना। सो एग्जैक्टली ये चीज़ें आई है। वाओ, आई एम सो लकी आई गॉट टू क्लिप्स, अदरवाइज एक ही क्लिप आता है। अगर मैं बात करता हूँ कॉलर माइक का अटैचमेंट का विच इज़ दिस, ये एक बार ये लगा के ज़रूर देख लेते हैं कि कितना हार्ड है, ये जाता भी एक नहीं जाता। सो अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने पर एक ही बारी में एक क्लिप हो गया है विच इज़ अ गुड थिंग, एंड ये कहीं हिल भी नहीं रहा। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल। ये पूरा मेटल का है एंड थोड़ा सा हार्ड भी है, सो दैट विल गिव इट अ गुड ग्रिप इन अ लॉन्गर टाइम स्पैन। सो इसकी क्वालिटी मेरे को अच्छी लग रही है, ड्यूरेबल लग रही है। अगर आप ये देखते हैं दिस इज़ अ माइक। माइक की जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये अच्छी है, और माइक में पहले का फोम लगा हुआ आया है विच वुड हेल्प इन डिफ्लेक्टिंग विंड। अब आई डोंट नो हाउ मच वुड इट डिफ्लेक्ट द विंड। एंड अगर हम इसको हटाते हैं पैकिंग को, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ऑफ अ गुड क्वालिटी। इसमें सामने की तरफ ओपनिंग है, इधर जो साइड में ओपनिंग्स होती है वो नहीं है, जो यूनी डायरेक्शन में जो आता है। इट इज़ ओनली फ्रॉम द फ्रंट देर इज़ अ ओपनिंग विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज इट विल ओनली कैप्चर द वॉइस दैट अ पर्सन वुड बी सेइंग फ्रॉम द फ्रंट। केबल की जो क्वालिटी है, जो
वायर की जो क्वालिटी है इट इज़ वेरी गुड, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छी है। ये हमारा 4 पोल कनेक्टर है जो हमें इन्वर्टर हमें मिला है, दैट इज़ अ 3 पोल कन्वर्टर ऑल्सो। दैट मीन्स दैट इट विल हेल्प अस टू कन्वर्ट फ्रॉम TRRS टू TRS। TRRS जो होता है वो ये पर्टिकुलर पार्ट है। TRRS इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ 4 पोल्स। 4 पोल्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? 4 पोल्स जनरली हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशंस पे लगाने के लिए होता है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब जैसे स्मार्टफोन हो गया, उस पे लगाने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए होती है। एंड अगर हम इसको इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, नाउ इट बिकम्स अ 3 पोल कन्वर्टर। 3 पोल कन्वर्टर हमें तब चाहिए होता है जब कोई स्पेसिफिक माइक पोर्ट वाली जगह पर हम लोग लगाते हैं, जैसे कि GoPro हो गया, एक्शन कैमरा हो गया, कैमराज हो गया, DSLR हो गया, या कोई PC वगैरह अगर होता है जिसमें माइक के लिए पोर्ट अलग होता है तो ये ऐसे लगेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर दैट दे हैव गिवन। सो जनरली अगर मैं इससे बात अगर मैं करता हूँ, सो इसका जो क्वालिटी ऑफ द साउंड इज़ वेरी गुड। इट कैन बी यूज इन DSLR cameras and other devices by using the adapter that has been given to us. It has a cord length of 78 inches or 2 meter which can help you to tuck in the mic onto your collar, and agar aapka jacket pehni hai ya pant pehni hai ya aapko kahin pe bhi mobile ya kahin pe bhi thoda sa dur rakhna hai wo bhi cheez ho sakti hai. It picks up sound from the mic and it helps in little bit of noise cancellation also. So agar aapka koi noise bahar ki noise hai to wo automatically wo noise cancellation karne mein help karta hai. And ye jo mic ka adapters jo saath aap dekh rahe hain, ye bahut sari cheezon pe aap laga sakte hain, jaise ki iPhone, Android smartphones, PlayStation 4 smartphone, tablet, laptop, PS4, Skype, WhatsApp, FaceTime, it can do everything. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसको अब टेस्ट करने के लिए मेरे को तो अपने हेलमेट पे लगाना है। हेलमेट पे काफ़ी ज़्यादा विंड नॉइज़ आता है। लेट मी सी विद अ फ्यू वीडियोज कि लेट मी सी हाउ विल इट कैप्चर द साउंड फ्रॉम माई हेलमेट। एज ऑफ नाउ इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए ही मैंने बाय किए। अप्रोक्सीमेटली 3,000+ रिव्यूज़ है अमेजोन पे, एंड ऑल 4-star+ रिव्यूज़ दैट द मैन्युफैक्चरर हैज़ गॉट। सो इसको लेवलियर माइक भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ कॉलर माइक। ये मैंने थोड़ा सा एक्सपेंसिव बाय किया है। अप्रोक्सीमेटली यू शुड गेट दिस एट अराउंड 200 और लेस देन 300। मैंने 325-326 का बाय किया है। लेट अस सी कि इज इट गुड इनफ फॉर यू पीपल टू बाय इट और नॉट। मैंने अभी ये माइक न्यू लगाया है, इसको एक बारी चेक करते हैं कि ये माइक ठीक वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। बाकी आप लोग बताना कि आवाज़ कैसी है। अप्रॉक्सीमेटली 1 और रन लेते हैं। आवाज़ कैसी है 75 80 टच नहीं हुआ। सुपर बाइक में तो मिनिमम 70 और 80 ही चलेगा, तो उसमें चेक करना पड़ेगा कि कैसी है आवाज़। बट अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है एंड एम्बियंस नॉइज़ भी है इधर तो ज़रूर बताना कैसी लग रही है आपको आवाज़। माना का माइक है, थोड़ा सा हेलमेट हैवी ज़रूर हो गया है, इज़ गिविंग मी लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस ऑन माई नेक।
अगर ये कामयाब हो जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। तो इसमें बस एक चीज़ और करनी पड़ेगी, कैमरा की जो हाइट है मेरी हेलमेट से वो थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी आई एम नॉट एबल टू नो कि क्या कैप्चर हो रहा है रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ फील्ड। आगे हमारे पोर्श चल रही है, अमेजिंग पोर्श। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, रिव्यू अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड हो सके तो बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा, सो दैट जब भी हम लोग नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएं तो आप लोगों को ज़रूर नोटिफिकेशन मिले एंड यू पीपल कैन सी द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।